हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ RRB NTPC के जो बहुत बच्चों के पैसे यहाँ पे आ गए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल यार जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। देख लेते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह, मैंने थोड़ा सा हाइड भी किया, थोड़ा सा मिटा दिया है मैंने, ठीक है। क्रेडिट 240 रुपये, ठीक है। इतने मतलब 20 दिसंबर को करें, कहाँ से आए NEFT देख सकते हो आप RRB भुवनेश्वर की, मतलब जो अवेलेबल बैलेंस वगैरह ये है। अब यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, जो RRB ने कहा था अपने NTPC के एग्जाम में कि जो ये एग्जाम दे देगा अपीयर होगा, जरूर पास फेल का कुछ नहीं था, अपीयर होगा। तो उसे क्या नाम है, अगर वो जनरल OBC क्या है कैटेगरी से, तो उसे यहाँ पे 400 रुपये रिफंड होंगे। और क्या नाम है यहाँ पे, अगर कोई SC ST से होगा तो 250 रुपये होंगे। उसमें क्या नाम है, 10 रुपये बैंक चार्ज भी कटेगा। जैसे अगर मानो आप जनरल या OBC हो तो आपको यहाँ पे 400 में से 390 रुपये वापस मिलेंगे, और अगर आप OB मतलब SC वगैरह तो आपको 250 में से वो 240 रुपये यहाँ पे वापस मिलेंगे। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं RRB भुवनेश्वर से क्यों आ रहे हैं। मैंने अलग जगह से भरा था, देखो उसका आपको तो एक वो था नोडल सेंटर है RRB भुवनेश्वर, तो ये सारी जो मनी कलेक्ट हुई होगी या तो वहीं पर हुई होगी, तो इसी वजह से वहीं से आ रहा है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को जितने भी सबको आया है सबको RRB भुवनेश्वर से ही आया है अभी तक तो, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हमने कहीं और का भरा था पर मुझे फिर भी RRB से भुवनेश्वर से आया है, तो मैं वही बता रहा हूं कि नोडल सेंटर इसका RRB भुवनेश्वर में है, तो इस वजह से वहां से पैसा आ रहा है। अभी सबका नहीं आया, धीरे धीरे करके सबका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पास फेल का मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं है पास फेल का डी, अगर आप उसमें RRB के एडवर्टीजमेंट में देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो भी फर्स्ट यानी कि जो CBT अटेम्प्ट करेगा अपीयर होगा उसमें, तो यहां पे उसे पैसे यहां पे वापस मिल जाएंगे। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।